प्लीज़ आप चले जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे पानी चाहिए, ना बिस्कुट, ना नमकीन, आप जाओ यहाँ से प्लीज़, मैं वैसे ही बहुत परेशान हो गई, जाओ। मैं आपको वो सब बेचने वाला लग रहा हूँ क्या? तो कौन हो फिर आप? एक्सक्यूज मी, मैं आपको वहाँ से देख रहा था, मुझे लगा आप अकेले बैठी है, मैं चल के पूछ लूँ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कोई तंग तो नहीं कर रहा? नहीं, मैं परेशान ही बैठी हूँ एक्चुअली, अभी तक मेरी फ्रेंड नहीं आई है, मैं उसका वेट कर रही हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई। वो वाला गेट खुला हुआ है ना? अब वहाँ एक मिनट, आप कहाँ बैठ रहे हो? एक मिनट, थोड़ा सा जूते में कुछ दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत हो गई? गोबर लग गया बस, ये थोड़ा सा, ये वाला बस थोड़ा सा अभी अभी आतक लग गया था पीछे की तरफ। मुझे लगता है जूते में लगा हुआ दिमाग में भरा है। आपके दिमाग में गोबर भरा है? तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मतलब आपने बोला ना जो जूते में लगा हुआ दिमाग में, मुझे आप अपने दिमाग की बात बता रही हो। नहीं, मेरे दिमाग में तो नहीं लगा। एक बार शर्मा जी के घर में पार्टी होती है, तो वर्मा जी को भी बुलाया होता है, तो वर्मा जी पार्टी में जाते हैं, वर्मा जी खाना खा रहे होते हैं, तो शर्मा जी की बीवी आती है, वर्मा जी की प्लेट में एक चिकन का लेग पीस डाल देती है, तो पार्टी खत्म हो जाती है, वर्मा जी घर जा रहे होते हैं, तो शर्मा जी कहते हैं, और वर्मा जी पार्टी में खाना वाना सब बढ़िया था? तो वर्मा जी कहते हैं, खाना तो बहुत बढ़िया था, और एंड में जो भाभी जी ने टांग उठा के दी। टांग उठा के दी मतलब किसकी दी? खाने का मजा ही आ गया। किसकी टांग उठा के दी? लेग पीस दिया था ना, चिकन का लेग पीस दिया था ना। अच्छा, मुझे लगा भाभी जी ने अपनी टांग रख दी। मेरी खटिया तो तूने खड़ी कर दी। सही बताना आप, मतलब आप सोच क्या रही थी? मेरे को ये लगा कि भाभी जी ने लेग पीस की जगह अपनी टांग दे दी। अरे क्या सोच रही हो आप भाई, है बड़े तगड़े वाली सोच, खतरनाक है एकदम, डायरेक्ट खोली दिया आपने। मैं देख रहा था आपको बड़ी अच्छी सुंदर लग रही हो यार आप। बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपसे बात करके। मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलके। ऐसा ना, फिटनेस फिटनेस तभी। हंसते क्या है? मैं जब बचपन में पैदा हुई थी ना, मुझे गोदी में लेते हुए डॉक्टर ने कहते हंसू क्या बोल है। ये सही है यार, डॉक्टर ने बोला था अब तो। वैसे छोटी नहीं हो ना, हम भी गोद में लेके बोलते बड़ी हंसमुख है। नहीं, जैसे छोटी होती लड़की तो हम भी गोद में लेके बोलते बड़ी हंसमुख है, हंसमुख है, ऐसे छोटी होती तो, अब तो बड़ी हो गई हो, अब गोद में नहीं ले सकते ना। अरे अरे अब आप बड़ी हो गए ना, गोद में नहीं ले सकते ना। पीछे चलोगी ना आप तुम, जिसको मैंने जोक सुनाया? पीछे की चलूंगी। नहीं, जैसे कि अगर पीछे चल के आप देखना चाहो तो देख सकती हो, जिस जिसको मैंने जोक सुनाया सीधा लेट जाता है। मां कसम मैंने देखा, क्योंकि हंसी इतनी आती है ना, हंस हंस के आदमी लेट जाता है। यार क्या जोक सुनाया इसने, पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी। थी? कहाँ चली गई? उसके पीछे यार एक बहुत बड़ी दुख भरी दास्तान है। सुनाओ, मैं सुनना चाहती हूँ। अब तो टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन कभी बैठ के मेरी कहानी सुनाऊंगा ना भाई, तो तेरी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरी गर्लफ्रेंड थी। अच्छा। उसको मरवाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने मुझसे बोला कि अबे मार। Oh yeah. मार मतलब? उसने कहा मार। क्या मार? बताता हूँ ना मैं। हुआ क्या, मैं 2-3 बार मार पाया, उसके बाद मैं थक गया। क्योंकि मैं इसलिए मार नहीं पाया क्योंकि मेरे को डिप्स मारने की आदत थी नहीं। ओह अच्छा, डिप्स, मुझे लगा। सॉरी मैं भी सेंटेंस लानी, मुझे कुछ और लगा। तू ये लड़कियों को कहां से उठा के लाया यार? उठा के नहीं लाया। इधर एक हाथ दो, जिंदगी वेट कर रही है। एक हाथ दो, जिंदगी वेट कर रही है। नहीं, नहीं, नहीं। आ जाओ यार, चलो गेट तक चल लो, टहलेंगे बस। अरे बस यहीं पे चलेंगे, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ ना। फिर पक्का? मैं आपको एक बात बतानी चाह रहा था। अच्छा। जैसे ये पागल इतना अच्छा है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ। हाँ। अगर आप बुरा ना माने तो? नहीं, नहीं मानोगी ना? एक मिनट इधर आओ, वो देखो कुछ क्या? है क्या है? कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है ना? वो देखो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है ना? नहीं, क्यों नहीं है यार, यहाँ तो कुछ था। मतलब तो देखो, सामने कैमरा लगा है, प्रैंक हो रहा है। तो हमारे चैनल का नाम है दिल्ली के दिलेर। ओके, वाव, नाइस, नाइस टू मीट यू। वीडियो दिखा दो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिखा दो। बाकी घूम सकते हैं पार्क में, आप बोलो घूम लेंगे अभी। मैं रेडी हूँ। मैं तो शॉक्ड हो गई, मेरे को पता नहीं क्या हो गया इतनी देर से यहाँ पे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कुछ।